दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की यहां पर अगर बात करें तो काफी सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आ रही है और आज बात करेंगे यार यहां पर हम टीम केकेआर की टॉप अपडेट। साथ ही साथ यार अब से वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है, खासतौर पर टीम इंडिया के लिए। ऑलरेडी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका था बट सभी इंडियंस के लिए तो आज से ही वर्ल्ड कप यहां पर शुरू होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात कर लेते हैं टीम केकेआर की सभी टॉप अपडेट्स की। सो टीम केकेआर के लिए पहली अपडेट बाहर निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप को लेकर। तो मैं बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से एक चीज आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो रिसेंटली नीतीश राणा भी इंटरव्यू देकर आए थे और इंटरव्यू में उनसे काफी कुछ चीजें पूछी गई थी, पर टीम केकेआर के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर या किसी भी सोशल साइट के ऊपर आप जाओगे तो उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जिसका एक ही आंसर उन्होंने दिया है और वो एक ही क्लिप टीम केकेआर ने अपने सोशल साइट के ऊपर यहां पर अपलोड की है। वो क्लिप थी कि यहां पर साल 2023 का जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है 50 ओवर का, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन गेटर कौन रहेगा। अब हो सकता है काफी सारे लोग यहां पर शेयर का नाम सोच रहे होंगे क्योंकि वो केकेआर के कैप्टन भी है, केकेआर के प्लेयर भी है, बट मैं आप सभी को बता दूं कि नीतीश राणा ने ऐसा नहीं सोचा है। नीतीश राणा ने नाम जरूर दिया है केकेआर के खिलाड़ी का, बट वो एक्स केकेआर के खिलाड़ी हैं और फ्यूचर के सुपरस्टार भी होने वाले हैं, अभी भी काफी अच्छे चल रहे हैं, वो हैं शुभमन गिल। अब शुभमन गिल आज का मुकाबला खेलते हैं नहीं खेलते हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम पर पता चल जाएगा। हमने दो ही प्रिडिक्शन अभी दी है, दोनों की दोनों पास है, हर एक मुकाबले में आपको प्रिडिक्शन देंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, गिवअवेज भी आने वाले हैं इंडिया का। जब भी पाकिस्तान से मुकाबला होगा तो हम यहाँ पर दो टिकट देंगे, इसके अलावा दो कवर देंगे और यहाँ पर जर्सी गिवअवे भी चल रहा है। सब कुछ बिल्कुल फ्री है, आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना और कुछ नहीं करना है, लिंक आपको पूरा नीचे मिल जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रेयस अय्यर की। तो मैं आप सभी को बता दूं श्रेयस अय्यर की अपडेट और प्रैक्टिस वीडियो भी हमने हमारे टेलीग्राम पर डाली, तो यार बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप टेलीग्राम पर ना जाकर। तो अगर बात करें तो टेलीग्राम के ऊपर तो सब कुछ पोस्ट कर दिया था। बात करें तो टीम इंडिया के लिए आज से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो कि एक यहां पर चिंता का विषय टीम इंडिया के लिए बन सकता है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर जसप्रीत बुमराह बहुत कम खेले हैं और वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग में ही खेलेंगे, तो बुमराह और जो रोहित शर्मा इनका कॉम्बिनेशन काफी हार्ड हिटिंग बैठता है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं अभी रिसेंट प्रैक्टिस के अंदर। शॉर्ट बॉल के लिए उनकी राहुल द्रविड़ के साथ एक स्पेशल मीटिंग, एक स्पेशल प्रैक्टिस सेशन भी होता है जिसके बारे में मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था। तो उम्मीद करेंगे कि श्रेयस अय्यर एक अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप के साथ चले क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग बदलने वाली है, जो शुभमन गिल है वो नहीं खेलते हैं। तो अच्छा मैं आप सभी को ये भी चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर एशियन गेम्स के अंदर टीम इंडिया गोल्ड जीत चुका है। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पर कैसे वो जीते होंगे, यानी रीज़न नहीं बताता क्योंकि बारिश आ गई थी, बारिश के बाद टीम इंडिया को गोल्ड दे दिया गया। तो यहाँ पर केवल और केवल टीम इंडिया की रैंकिंग देकर उनको गोल्ड दिया गया है, तो सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और रिंकू सिंह भी यार यहाँ पर गोल्ड जीत चुके हैं। सो देखते हैं कि यार एशियन गेम्स में तो अपना झंडा फहरा दिया है, क्या वर्ल्ड कप का यहाँ पर झंडा फहरता है नहीं फहरता है आप कमेंट करके जल्दी से बता दो। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और मैन ऑफ द मैच भी कौन बनेगा और टीम केकेआर के खिलाड़ी कैसा करेंगे, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो चाहे फिर वो केकेआर के यहाँ पर श्रेयस अय्यर हो। एंड अगली अपडेट निकल कर आ रही है केकेआर नाइट्स को लेकर। तो बात करें तो अब रिसेंटली यहाँ पर हमें डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा देखने को मिलने वाला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आने वाली है, हर्षित राणा और सुयश शर्मा दिल्ली के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए। हालांकि दोस्तों अगर बात करें तो रिंकू सिंह भी अब आ जाएंगे, इसके अलावा और भी सारे खिलाड़ी आ जाएंगे तो वो भी अपने अपने जोन के अंदर चले जाएंगे। अगर आपने रिंकू सिंह की रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप टीम केकेआर के सोशल साइट के ऊपर जाकर देख सकते हो, जहां पर उन्होंने अपने ऑल टाइम प्लेइंग 11 की बातचीत की है, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने गौतम गंभीर को लिया है, इसके अलावा यहां पर सुरेश रैना को लिया क्योंकि वो उनके फेवरेट हैं। और भी केकेआर प्लेयर की बात करें तो शायद गौतम गंभीर इकलौते ही केकेआर के खिलाड़ी उस प्लेइंग 11 के अंदर होंगे। वहीं अगर बात करें तो कैप्टन उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को रखा है, सो काफी अच्छी प्लेइंग 11 उनके अकॉर्डिंग भी थी। और रिंकू सिंह वगैरह जितने भी केकेआर नाइट्स अभी सब मजे कर रहे हैं, सब वैकेशन पर हैं क्योंकि पैसे वगैरह तो ये सब कमा लेते हैं केकेआर से, जो टीम केकेआर है उनसे, बट हाँ रिंकू सिंह तो काफी अच्छे खिलाड़ी आने वाले टाइम के सुपर स्टार हैं। सो यही थी आज की टॉप अपडेट, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल बने तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।